हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों सिंघाड़े की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सिंघाड़ा कितना फ़ायदेमंद है और ये कैसे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज़ के मरीज को आराम पहुँचाता है। दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के लिए सिंघाड़ा एक सबसे अच्छा घरेलू उपचार माना जाता है, खासकर सर्दियों में। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यह आवश्यक प्रोटीन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट का एक तगड़ा सोर्स है कहीं ना कहीं, और सर्दी के मौसम में सिंघाड़ा आसानी से पाया जाने वाला फूड आइटम है। और मैं आपको बताऊं कि यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट है बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी फायदेमंद है। और आज के वीडियो में हम आपको इसके डायबिटीज़ के लिए क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। आप समझिए दोस्तों कि इसके पोषक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है कैल्शियम, विटामिन ए, सी और मैग्नीज। दोस्तों, इसमें पर्याप्त मात्रा में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं और इनके अलावा इसमें कुछ अन्य पोषक तत्व भी हैं, जैसे कि थायमीन है, कार्बोहाइड्रेट है, टैनिन है दोस्तों इसमें, सिट्रिक एसिड है, राइबोफ्लोविन है और निकोटिनिक एसिड भी पाया जाता है। और आप समझिए दोस्तों कि इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से सिंघाड़ा डायबिटीज के मरीजों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सिंघाड़े का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो कैटेगरी का होता है, जिसका मतलब यह है कि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होता है, यानी डायबिटीज वाले मरीजों में ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल की वृद्धि तेज गति से नहीं करता, धीमी गति से करता है। तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीज इसे आसानी से खा सकते हैं और साथ ही साथ इसके पोषक तत्व इसे उन लोगों के लिए फायदेमंद भी बनाते हैं। दोस्तों, आप समझिए कि सिंघाड़ा ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसके भीतर पाए जाने वाले कुछ विशेष पोषक तत्व और फाइटोकेमिकल्स। जी हाँ दोस्तों, इसके फाइटोकेमिकल्स कहीं ना कहीं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक हैं और इसके भीतर जो पोषक तत्व हैं दोस्तों, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सिंघाड़े में जो अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है वो हमारे पाचन के लिए बेहद लाभदायक है और हमें कहीं ना कहीं कब्ज से छुटकारा दिलाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, आपको अगर डायबिटीज है तो आपके लिए सिंघाड़ा कहीं ना कहीं एक शानदार वरदान से कम नहीं है। आप इसे रेगुलर खाइए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।